अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संगठन के बैनर तले दिग्रस नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने बेमियादी काम बंद आंदोलन छेड़ दिया है। कर्मचारियों के मुताबिक बीते 6 माह से उन्हें नियमित तौर पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि कोरोना संक्रमण काल में भी वे जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। नौकरशाहों का भी अजीब रवैया होता है। उन्हें खुद के ओहदे और अधिकार की परवाह होती तो है, लेकिन वे अक्सर अपने से नीचे काम करने वालों के कर्तव्यों के प्रति सुविधानुसार नज़रअंदाजी बरतते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर दिग्रस शहर नगर पालिका के पटल पर देखने मिल रहा है। यहाँ करीब 84 सफाई कर्मचारियों ने 4 मार्च गुरुवार से अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संगठन के बैनर तले नगर पालिका प्रशासन की असंवेदनशीलता के खिलाफ बेमियादी अनशन छेड़ दिया है। उनकी क्या समस्याएं हैं, आइए सुनते हैं। आम्ही दिग्रस नगर परिषद मधील 84 सफाई कामगार 7वा वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता मिळण्याबाबत तसेच दुसरा चौथा शनिवार या शासकीय कामाचा आर्थिक मोबदला तसेच आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला दुसरा आणि तिसरा लाभ मिळण्यासाठी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला संपूर्ण सातवा वेतनची थकबाकी मिळण्यासाठी आम्ही सर्व सफाई कर्मचार शिवसाहेबांशी वारंवार चर्चा केली, तसेच जिल्हाधिकारी साहेब यांनासुद्धा आम्ही निवेदन दिलं, परंतु आमच्या कोणत्याही मागण्यावर आतापर्यंत निर्णय झाला नाही। तसेच शिवसाहेबाशी आम्ही यापूर्वी 2-3 मौखिक चर्चा केली, तसे निवेदनसुद्धा दिले, परंतु साहेबांनी आमची कोणतीही मागणी न पूर्ण केल्यामुळे आम्ही दिनांक 4/3/2021 पासून बेमुदत संपावर जात आहे। 3 महिन्याचा शिवसाहेबांनी आत्तापर्यंत पगार दिला नाही। ग्रँड पूर्ण दर महिन्याला येत आहे। ग्रँड साहेब काय करत आहे हे आम्हाला माहीत नाही। विचारणा केली असता साहेबांचं बोलणं आहे नगरपालिकेचे मालक आम्ही आहोत, आमच्या मनात जे असेल ते आम्ही करणार आहोत। साहेबांचं हे बोलणं आहे, त्यासाठी आम्ही पूर्ण कर्मचारी 84 कर्मचारी यांनी पूर्ण निर्णय घेतलेला आहे की साहेब आपली मनमानी करत आहे, त्यासाठी आपल्याला संपाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही। सफाई कामगारांची उपासमारीची वेळ आलेली आहे। 3-3, 4-4 महिने पेमेंट होत नाही। 4 महिने 6 महिने झाल्यावर 1 महिन्याचा पगार शिवसाहेब नगर बँकेत टाकत आहे। त्यांचं पूर्ण रिडक्शन जे आहे बँकेत 1 महिन्याचा पगार झाल्यानंतर 3-3 महिन्याचं रिडक्शन बँक कापत आहे। हातामध्ये कर्मचाऱ्यांचा 1 रुपया येत नाही। कहने को शहर की पालक संस्था यानी अभिभावक संस्था के तौर पर काम करने वाली नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के दरमियान नियमित तौर पर वेतन नहीं दिया गया है। हर 3 महीने में एक बार अल्प वेतन प्राप्त हो रहा है, जिस वजह से इन कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर खर्च और अन्य जरूरी कामों में आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो रही है। काम बंद आंदोलन कर रहे इन कर्मचारियों की मांगों में बीते 6 माह की वेतन की बकाया राशि दिए जाने, कोरोना संक्रमण काल में दी गई सेवा का प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध कराने आदि सहित दूसरे और चौथे शनिवार को दी गई सेवा का मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। देखना होगा कि कोरोना काल के दौरान जारी लॉकडाउन में भुखमरी की मार झेल रहे इन सफाई कर्मियों को न्याय दिलाने में नगर पालिका प्रशासन क्या रुख अपनाता है। दिग्रस से BCN न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।